स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स. ओके वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 16 दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 15. ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16 एंड हियर थ्री क्वेश्चंस आर लेफ्ट 16 17 एंड 18 एंड वी विल कवर दिस थ्री क्वेश्चंस. ओके एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. ओके तो आप देख सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है. एक वृत्ताकार मैदान की मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देती हूँ. ठीक है. एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में नासिका को जितना समय लगता है मैदान के व्यास पर चलते हुए उसे जाने में 45 मिनट कम समय लगता है. ठीक है. तो नासिका का वेग अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट हो तो मैदान का व्यास कितना है या व्यास की लंबाई कितनी है. ठीक है. तो पहले भी हम फिगर के अकॉर्डिंग जानेंगे कि क्या कह रहा है, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं क्वेश्चन को. द टाइम दैट नसीफा टेक्स टू कवर अप द सर्कुलर फील्ड फ्रॉम द वन इन टू द अनदर एंड इज 45 सेकेंड्स लेस ही गोज ड्रामेटिकली. ओके तो मतलब एक छोर से दूसरी ओर की तरफ जाता है जो ये सर्कुलर फील्ड में वो मूवमेंट करता है तो जितना उसे समय लगता है उससे 45 सेकेंड कम समय लगता है इफ़ ही गोज फ्रॉम डायमीटरली, मतलब इस डायमीटर को कवर करने में इसको लेस देन कम 45 सेकेंड कम लगता है. अगर इसमें अगर एक्स टाइम लगता होगा तो इसमें एक्स माइनस 45 लग रहा है. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इफ द स्पीड ऑफ नसीफर इज 80 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है. ठीक है. देन वॉट इज द डायमीटर ऑफ द फील्ड, डायमीटर का लेंथ हमें फाइंड करना है. ओके यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डायमीटर को अगर वो कवर करता है तो उसको 45 सेकेंड्स कम लगता है देन इसके इसको कवर करने में. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर वो 45 सेकेंड ही डिस्टेंस कवर करे तो उसको कितना डिस्टेंस, 45 सेकेंड्स अगर वो टाइम लगाता है तो कितना कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16. 45 सेकेंड्स दिया हुआ है. ठीक है. बट जो वो दिया है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 80 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग है. तो इसे भी मिनट में हम चेंज कर देते हैं. 45 डिवाइडेड 60 कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. दैट इसको काटेंगे तो 3/4 मिनट्स. ठीक है. इतना मिनट्स आ गया. अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर इन एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन, स्पीड ऑफ नसीफर या जो भी है नसीफ. ठीक है. इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 80 मीटर पर मिनट. ठीक है. ये है स्पीड ऑफ नसीफर. चलो ठीक है. स्पीड ऑफ नसीफर दिया हुआ है इतना. तो हम डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ओके वी हैव द स्पीड 80 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई टाइम इज 3/4. ठीक है. 4 × 2 = 8 = 20 दैट इज 60 मीटर. 60 मीटर डिस्टेंस आ गया. मतलब कि 45 सेकेंड्स अगर वो चलता है तो उसे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. अब वो डिस्टेंस को किस तरीके से कवर कर रहा है, जितना मूव करने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इसमें इससे कर रहा है तो उसको 45 सेकेंड्स कम का टाइम लग रहा है. मतलब कि डिस्टेंस भी उतना ही कम लगेगा, है ना, डिस्टेंस भी उतना ही कम लग रहा है. तो डिस्टेंस 45 सेकेंड में इतना आ गया. इसका मतलब अगर हम इस तरीके से करें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इसको इस तरीके से करें कि पाई आर माइनस टू आर. आपको पता है कि इतने दूर का जो डिस्टेंस होता है, इतने दूर का जो परिधि होता है या फिर सर्कमफेरेंस होता है इसके साथ, इस टू आर के साथ में इसको एक साथ लेकर चलते हैं टोटल, तो डिस्टेंस यहाँ पे 2πr नहीं होगा. अगर टोटल सर्कुलर मूव करता तो 2πr होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आधा मूव कर रहा है इसलिए πr में से हमने डायमीटर को माइनस कर दिया. 2r इज इक्वल टू 60 मीटर. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ. या फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस वो कम वो 60 के बराबर होगा. ठीक है. या फिर जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि इतना जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 45 सेकंड्स में इतना में कवर करने पे उसको 45 सेकंड कम लगता है. इसका मतलब ये जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा तो इस डिस्टेंस में से इस वाले को माइनस कर देने पे हमें 60 मीटर आया जो कि 45 सेकंड्स में मूव करता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पे देखो कि आर दोनों में ही कॉमन है और 22/7 पाई का वैल्यू है. अच्छा यहाँ पे आर कॉमन है तो पाई माइनस टू, जैसे 22/7 - 2. ओके अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है. तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें आर का वैल्यू है 7
22 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, और r इंटू 22 माइनस 14 कर देंगे तो ये हो गया 8/7 इज इक्वल टू 60, एंड r इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 8, क्योंकि हमें r का वैल्यू निकालना था। अब इसे कट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 4 2 एंड 4 से 15, मतलब कि ये हो गया 105 डिवाइडेड 2 मीटर। ठीक है, तो ये r का वैल्यू आया और हमें निकालना था डायमीटर, तो चलो डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई r, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 105 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 105 मीटर। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, क्योंकि हमें डायमीटर का लेंथ पूछा जा रहा था, तो डायमीटर का लेंथ हो गया 105 मीटर। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महिम को साइकिल द्वारा 7 मीटर 5 डेसीमीटर वृत्तकार रास्ते के बाहरी परिधि और भीतरी परिधि की दूरी तय करने में क्रमशः 46 सेकंड्स एंड 44 सेकंड्स का समय लगता है, तो भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास कितना है ये हमें बताना है। सबसे पहले इसे हम फिगर बना के समझेंगे, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक इस तरीके का रास्ता है 70 नंबर, इस तरीके का एक क्या है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है, टू सर्कल्स आर देयर, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, इनर सर्कल का। और दिया क्या हुआ है कि एक महीन जो है वो साइकिल के से 7 मीटर 5 डेसीमीटर मीटर वृत्त का रास्ते के बाहरी परिधि और भीतरी परिधि की दूरी तय करने में 46 सेकंड एंड 44 सेकंड, ये जो रास्ता है इसमें वो इस दूरी को तय कर रहा है। मान लो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो ऐसे 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 ये डिस्टेंस को, इस रास्ते का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है कितना, पहले तो बाहरी रास्ते को अगर कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, तो उसको कितना लगता है, 46 सेकंड्स लगता है। अगर अंदर वाला रास्ता को कवर कर रहा है तो उसको लग रहा है 44 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमें क्या करना है, और 7.5 डेसीमीटर वृत्त का रास्ते का ये दे दिया है, ये परिधि दिया हुआ है। इसका मतलब कि सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है इसका दिया हुआ है, तो दिया क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है, 7 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो दोनों को ही मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 हो जाता है, 7 + 0.5 दैट इज 7.5 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ है, इसका मतलब ये जो कैपिटल आर है, ये वाला जो आर, अगर हम कैपिटल आर ले लेते हैं, जो लंबा सा डिस्टेंस है, जो बड़ा सा रेडियस है उसे कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं, और जो छोटा रेडियस है उसको स्मॉल आर, तो ये जो पाथ हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दें, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, इस कैपिटल आर में से, ठीक है, ये स्मॉल आर माइनस कर दूँ मैं, ये पूरा कैपिटल आर है, इसमें से ये स्मॉल आर माइनस कर दूँ, तो ये जो बीच का डिस्टेंस बचेगा वो क्या होगा, वो होगा पाथ का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस, जैसे पाथ है वो पाथ का डिस्टेंस तो दिया हुआ है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7.5, ये इसे हम मान लेते हैं नंबर वन, ठीक है। अब यहाँ पे अज्यूम तो मैंने किया नहीं, चलो इसको आगे में लिखना होगा, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है, कि लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स कैपिटल आर, एंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, ठीक है। मतलब कि बाहरी वृत्त का अर्धव्यास आर है और भीतरी वृत्त का अर्धव्यास स्मॉल आर है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये प्रोसेसिंग यहाँ तक करेंगे, तो ये हमारा नंबर वन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा था कि अगर बाहरी रेडियस पता है और भीतरी रेडियस पता है तो हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। और भी हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो ये घूम रहा है ना, आउटर और इनर को जो कवर कर रहा है, उसका हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टाइम टेकन टू कवर
कवर आउटर सर्कमफेरेंस या फिर आउटर सर्कल भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 46 सेकेंड्स एंड टाइम टेकन टू कवर इनर सर्कल ठीक है। आप इसको हिंदी में अनुवाद कर लेना 44 सेकेंड ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि बाहरी अगर वृत्त को अगर वो एक बार घूम रहा है या फिर बाहरी परिधि को लिख सकते हैं। यहाँ पे सर्कमफेरेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं इसको सर्कमफेरेंस लिख देती हूँ ठीक है। टाइम टेकन टू कवर आउटर सर्कमफेरेंस इज 46 सेकेंड देन टाइम टेकन टू कवर द इनर सर्कमफेरेंस इज 44 सेकेंड्स ओके। नाउ दीज आर द टाइम्स ओके टाइम्स एंड देन वी कैन फाइंड द स्पीड ओके। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी कैन राइट कैपिटल टोटल डिस्टेंस इज 2πr फॉर द बिग सर्कल 2πr डिवाइडेड 46 ओके इज इक्वल्स टू स्मॉल 2πr इज डिवाइडेड 44 एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने क्या किया देखो वो जो मोहित है या रोहित है जो भी महिम है उसका स्पीड तो सेम है वो ये वाला जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बाहर वाला उसमें भी सेम स्पीड को ही ले रहा है और जो भीतर वाला स्पीड डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसमें भी सेम स्पीड है। तो हम क्या कर सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो बड़े वाले जो वृत्त है उसका सर्कमफेरेंस क्या है 2πr कैपिटल आर बाय टाइम। तो ये हो गया क्या स्पीड बाय स्पीड हमें करना है स्पीड इज इक्वल टू स्पीड और यहाँ पे 2πr स्मॉल r डिवाइडेड 44। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोनों ही स्पीड को इक्वल कर लिया क्योंकि एक आदमी की स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हुई है महिम की स्पीड इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा इजिली इसे हम करते हैं सॉल्व। तो इसे 2 से कट कर दो तो ये 22 हो गया इसको 2 से कवर कर कट कर दें तो 2 से 23 ठीक है। और यहाँ से पाई भी कैंसिल हो गया एंड कैपिटल आर बाय 23 इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय 22 ठीक है। इस तरीके से आया तो हम यहाँ से कैपिटल आर फाइंड कर लेते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई आर बाय 22 ये हो गया नंबर 2। दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया हमें क्या निकालना है स्मॉल आर ठीक है इनर सर्कल का रेडियस हमें निकालना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें मिल गए तो इस कैपिटल आर को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस इजली मिल जाएगा ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि कैपिटल आर का मान एक नंबर पे बैठाने पर इस तरीके से ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ऑफ कैपिटल आर इन 1 में मैं पुट कर दे रही हूँ कैपिटल आर का वैल्यू दैट इज 23r बाय 22 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7.5। अब इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना तो यहाँ पे एलसीएम 22 हो जाएगा ये 7.5 है ठीक है। और यहाँ से ये कट गया 23 स्मॉल आर माइनस 22 स्मॉल आर दैट इज आर बाय 22 इज इक्वल टू 7.5। अब दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 22 ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाएगा आपका 70.5 दैट इज 165 ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका आंसर आ जाएगा 165 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है 165 मीटर ठीक है। तो इनर जो रेडियस है वो आ गया आपका 165 एंड दिस इज द आंसर यही हमें फाइंड करना था ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 कवर कर लिया बना लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे जो कि इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ओके। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं एक साइकिल आरोही मतलब साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट है को एक वृत्तकार पथ के बाहरी और भीतरी किनारों के बराबर दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात 20:19 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो रास्ते की भीतरी व्यास की लंबाई कितनी है। ठीक वही क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन था बट यहाँ पे यहाँ अनुपात दे दिया है यहाँ पे टाइम टेकन जो है उसको रेशियो में दे दिया है तो चलो इसे बनाते हैं हम ओके। नाउ हियर इज गिवन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट टू डू गो अराउंड द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 20:19
19, मतलब कि एक बार तो वो आउटर सरफेस को साइकिलिंग करता है, उसके बाद इनर सरफेस को साइकिलिंग करता है, सर्कमफेरेंस को, तो उसको जो टाइम लगता है वो टाइम का रेशियो दिया है 20:19 के अनुपात में, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, मतलब इस इनर सर्कल के लेंथ का डायमीटर, ये हमें फाइंड करना है। और एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि द पाथ, इफ द पाथ 5 मीटर वाइड देन कैलकुलेट द लेंथ, जो ये पाथ का है इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ओके, ओके, विथ ऑफ द पाथ इज गिवन, विथ ऑफ द पाथ इक्वल्स 5 मीटर, ओके, विथ ऑफ द पाथ इज 5 मीटर, एंड लेट अस अज्यूम, लेट द कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, तो पाथ मैंने जैसे कि बताया था कि अगर ये सेंटर है और ये स्मॉल आर है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा कैपिटल आर है, तो ये बीच का हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। देन पाथ द डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ पाथ कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज 5 मीटर, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर आउटर सर्कमफेरेंस हम निकालें, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस को ही तो कवर कर रहा है, ठीक है। देन आउटर सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल आर एंड इनर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, बट यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, पर्वत, ये साइकिल चलाने वाला आरोही जो भी लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू वी, ठीक है, वी मान लिया हमने। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, कि सर्कमफेरेंस मतलब कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अगर 2 पाई आर है, वेलोसिटी वी, माइनस अगर डिस्टेंस 2 पाई स्मॉल आर है, तो वेलोसिटी वी, तो दोनों को, सॉरी माइनस नहीं, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 20:19। अगर आप चाहो तो वो लाइन लिख सकते हैं कि आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस, यहाँ पे लिखा होगा कि टाइम टेकन टू कवर आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 20:19। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख के भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम था, इसीलिए हमने क्या किया कि टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मतलब कि टाइम, ठीक है। अब दोनों का रेशियो है, अब यहाँ देखो वी तो एकदम इक्वल है, और ये रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, तो ये और ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर इज टू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 20:19 लिख सकते हैं। फिर और इसको सॉल्व करते हैं, 2 पाई कैंसिल, कैपिटल आर माइनस बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 20:19, ठीक है। अब देखो कि आप इसका वैल्यू, कोई एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कैपिटल आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, आर इज इक्वल टू 20 आर बाई 19, ये हो गया नंबर 2। अब इसे क्या करते हैं, नंबर 1 में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन पुटिंग कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 आर बाई 19 इन 1 में पुट कर देते हैं, तो कैपिटल आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 आर बाई 19 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 20 आर माइनस 19 आर बाई 19 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब ये 20 माइनस 19 आर बाई 19 इज इक्वल टू 5, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 19, और 5 मल्टीप्लाई 19 कितना हो जाता है, 95 मीटर। दैट मीन्स रेडियस नहीं पूछ रहा था, इनर
इनर जो सर्कल का रेडियस हमें मिल गया, हमें पूछ रहा था डायमीटर. देन द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 2R. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 95, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 190 मीटर. एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है. और इसी के साथ ये पूरा आपका जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपका एमसीक्यू है, और एमसीक्यू का जो मैं सीरीज कराऊंगी तब उसमें करा दूंगी. अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चैप्टर की डिमांड हो, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए. तभी हमें समझ में आता है कि आपको कौन सा चल रहा है या फिर आपको कौन सा कवर करना है, तो हम उसको जल्दी ही सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो, पर्सनली कुछ पूछना हो, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. वी विल मीट सून. बाय बाय.